शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार और स्टाफ के दो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि शिल्पा ने बताया है कि उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर फैंस को दी जानकारी। विवादों के बीच कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए करण जौहर। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर कोविड-19 पीड़ितों की जरूरतों को रिसोर्सेज से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। इसे लेकर धर्मा प्रोडक्शंस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के वर्कर्स की मदद। आदित्य चोपड़ा ने यश चोपड़ा फाउंडेशन साथी के नाम से पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेज अर्नर्स को सहायता प्रदान करना है। पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं और सीनियर सिटीजन वर्कर्स को 5,000 रुपए और यूथ फीड इंडिया नामक एक एनजीओ की मदद से पूरे महीने के लिए परिवार को राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कार्तिक आर्यन ने किया मानवता को सलाम। सोशल मीडिया पर नतमस्तक होकर मांगी लोगों के लिए दुआएं। सोशल मीडिया पर गोल्डन टेम्पल से ली गई अपनी पुरानी फोटो शेयर कर कार्तिक कोरोना काल में दर्द झेल रहे लोगों के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। उन्होंने इसके साथ एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा। हॉलीवुड स्टार ह्यूग जैकमैन ने इंस्टाग्राम पर भारत की मदद करने की बात कही है। इस पर प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें थैंक्स कहा है। ह्यूग जैकमैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इंडिया को मदद करने का ऐलान करते हुए और लोगों से भी हेल्प के लिए आगे आने की अपील की है। इसके साथ ही प्रियंका के फंड रेजर का लिंक भी उन्होंने शेयर किया है। इसे देख प्रियंका चोपड़ा ने ह्यूग जैकमैन के इंस्टा स्टोरी को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर उनका शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद ने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना की मदद करने के बाद अब उन्होंने नेहा धूपिया की भी मदद की है। हाल ही में नेहा धूपिया ने भी सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई थी। नेहा धूपिया ने कोरोना से जंग लड़ रही अपनी दोस्त की मदद करने के लिए इंजेक्शन की मांग की थी। नेहा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनू को टैग करते हुए लिखा, एक पुरानी दोस्त ने कॉल करके रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मदद मांगी है। मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को जानती हूँ जो इस समय मेरी हेल्प कर सकता है, वो सोनू सूद है। आपने एक और परिवार को बिखरने से बचा लिया। सोनू भगवान आपका भला करे। वही हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना ने मेरठ में रहने वाली अपनी मासी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार ट्विटर पर लगाई थी। वही सोनू सूद ने बिना देरी किए उन्हें सिलेंडर पहुंचा दिया, जिसके बाद सुरेश रैना ने सोनू सूद का आभार जताया। कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टाडांगा में FIR दर्ज की गई है। ये FIR TMC नेता रिजू दत्ता ने दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। रिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर FIR की कॉपी शेयर की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई आपत्तिजनक पोस्ट किए। रिजू दत्ता ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भी जमा कराए जिनमें कंगना के पोस्ट हैं। बताते चले कि कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बंगाल वायलेंस और ममता बनर्जी को लेकर एक नहीं बल्कि कई पोस्ट किए हैं। दोस्ताना 2 से क्यों बाहर हुए कार्तिक आर्यन, अब इसे लेकर नई खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो जानवी कपूर से लड़ाई के बाद कार्तिक आर्यन इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की दोस्ती जनवरी में खत्म हो गई थी। ऐसे में कार्तिक का जानवी के साथ काम करना मुश्किल होने वाला था। वो पैंडेमिक का बहाना देकर फिल्म की तारीख बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से शूट में देरी हो रही थी। खबरों के मुताबिक जानवी के साथ हुई लड़ाई से कार्तिक इतने परेशान हो रहे थे कि उन्होंने एक दिन डायरेक्टर से कहा था कि दोस्ताना 2 की जगह कुछ और बनाते हैं। रिपोर्टेडली कार्तिक ने बाद में दोस्ताना 2 की टीम से कहा था कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही शर्त पर, अगर जानवी को फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कार्तिक दोस्ताना 2 की फीस को एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थे। तो क्या इस वजह से कार्तिक आर्यन हुए दोस्ताना 2 से बाहर? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कोविड-19 के खिलाफ जंग में आगे आए। दोनों ने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वो उनके कैंपेन को सपोर्ट करे। Hi guys, things have been very tough for India as we fight the pandemic, and it really pains us to see our country suffer like this. We are grateful to all the people जो दिन रात फाइट कर रहे हैं हमारे लिए. Their dedication is appreciated. पर अब उन्हें जरूरत है हमारे सपोर्ट की और हमें उनके साथ खड़े होने की. And so, Anushka and I have started a fundraiser on Keto, जिनके funds जाएंगे towards ACT grants.
एंड वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और डोनेट करें. एवरी लिटिल बिट मेक्स अ डिफरेंस. टू आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस, ये वक्त है साथ मिलकर आगे बढ़ने का. वी विल ओवरकम दिस टुगेदर. हम इस जंग को भी जीतेंगे इफ वी आर इन इट टुगेदर. स्टे सेफ. जय हिंद. इंडिया में कोविड 19 क्राइसिस में लोगों को एक दूसरे की मदद करते देख इमोशनल हुई कृति सैनन. वीडियो के जरिए कृति ने अपने थॉट शेयर किए. यू नो व्हाट, आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट ब्रेक्स अस समवेयर आल्सो यूनाइट्स अस. आई मीन टुडे व्हेन आई लुक अराउंड, इट डजंट मैटर व्हाट योर कास्ट इज, व्हाट योर रिलीजन इज, व्हाट योर प्रोफेशन इज, व्हेदर यू आर रिच योर पुअर, व्हिच स्टेट आर यू फ्रॉम, नथिंग मैटर्स. At the end of it, we all are just human beings who can feel and recognize each other's pain. We feel terrible when someone is in need and we're trying our best to spread the word, to get that person help. We're total strangers to each other. We're donating. We're trying to figure a way to end each other's suffering and pain. Just a thought.